हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य हूं और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं संजू फिल्म के तीसरे दिन के ऑडियंस ऑक्यूपेंसी और कलेक्शंस पे एस्टीमेट्स के बारे में। जी हाँ, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की धमाकेदार आई है। जी हाँ, धमाकेदार आ रही है। और मैं अगर ये कहूँ कि ये फिल्म तबाही मचा रही है तो ये गलत नहीं होगा। विदाउट एनी बिग फेस्टिवल रिलीज, विदाउट एनी बिग प्रमोशन, दिस फिल्म इज ऑल सेट टू बी ए ब्लॉकबस्टर। यानी कि ये कहो कि फायर डाला इस फिल्म ने तो भैया फायर डाला। चलिए बता दो कलेक्शंस का कितना हो सकता है, जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं उस हिसाब से क्या होगा। और ऑक्यूपेंसी बता दो, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी अगर स्टार्ट होगी 80% से तो क्या कह सकते हैं हम, जो कल की ऑक्यूपेंसी थी 60%, आज की है 80%। अगर आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 95%। जी हाँ, ऑल ओवर इंडिया 95% ऑक्यूपेंसी, द बेस्ट फॉर संजू टिल नाउ। और कल की ऑक्यूपेंसी थी आफ्टरनून की 80% और आज 95%। कल इवनिंग की ऑक्यूपेंसी थी 90% और आज भी 90% है। और नाइट की ऑक्यूपेंसी भी लगभग इसी तरह से रही, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि संडे के इवनिंग और नाइट का रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम होता है। वो इसलिए क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी, आई थिंक वो काम वगैरह था ना, वापस ऑफिस जाना होता है। तो यहां से कितना कमा लेगी फिल्म, ये सबसे बड़ा सवाल है, राइट। तो चलिए एस्टीमेट्स बता देता हूं। यहां से एस्टीमेट्स पता चल रहा है 44 to 45 crore। नो, आई एम नॉट किडिंग एट ऑल। फ्रॉम 44 to 45 crore तक का कलेक्शंस ये फिल्म कर सकती है, जो अपने आप में एक कमाल की बात है। और यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एवरेज ऑक्यूपेंसी पूरे दिन की अगर निकाल ले हम, तो वो लगभग जो पता चल रही है 85 to 87%, जो लिटरली कमाल है। और अगर ये फिल्म 44 crore कमाती है तो इसका कलेक्शन 117 crore जाकर होता है तीन दिनों का। और 45 crore अगर कमाती है तो 118 crore के आसपास जा सकता है। अगर यहाँ पे 42 crore भी कमाती है तीसरे दिन तो इसका कलेक्शन जाता है 115 crore। यानी कि टाइगर जिंदा है का रिकॉर्ड तो बीटअप कर ही लेगी, क्योंकि टाइगर जिंदा है का रिकॉर्ड है 114.93 crore। यानी किसी भी हाल में ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी वीकेंड ओपनर कल बनने वाली है, ये मुझे ऐसा फिलहाल फील होने लगा है। आई एम नॉट किडिंग, दिस फिल्म इज रॉकिंग विदाउट एनी बिग फेस्टिवल रिलीज, इतना साफ है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और ये वीडियो मैंने पहली बार बनाया है मेरे नए फोन MI का फोन है, वो भी नोट 5 प्रो से। आई होप उसकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर होगी, आई डोंट नो, बट चेहरा तो वही है। और आई होप ऑडियो में भी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिलहाल कितना ही।